हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हमें। तो आज के 10 इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मेरे लिए क्या लाए हो। पर ये बताओ, अपने माता पिता भाई बहन के लिए कभी गिफ्ट ले जाते हो या अपने बस गर्लफ्रेंड के लिए? कमेंट में ये बताना कि कौन कौन अपने माता पिता के लिए या भाई बहन के लिए गिफ्ट ले जाता है, अपना नाम जरूर लिखना। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है व्हाट हैव यू ब्राउट फॉर मी। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है व्हाट इफ समथिंग हैपनेस टू मी। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, आपने मेरे लिए क्या किया है। पहले ये बताओ कि आपने अपने घर में हमेशा लड़ाई करते हो या नहीं। तो अगर लड़ाई करते हो तो आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो अपने माता पिता को आप कह देते हो आपने पूरी जिंदगी मेरे लिए क्या किया है, बस कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है व्हाट हैव यू डन फॉर मी। तो आज तुम्हारा चौथा क्वेश्चन, मैं तुम्हारे रास्ते में अब कभी नहीं आऊंगा। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है नाउ आई विल नेवर कम टू योर वे। तो आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये बताओ कि आपने आपके घर पे कभी कभी मेहमान आते हैं तो आप बोलते हो कि जब शुरू शुरू में आते हैं तो आप उनका ऐसे हिंदी में ऐसे ही बोलते हो, मतलब मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो मेहमान तो ये सोचता होगा ना कि बस ये हिंदी में ये कुछ जानता है, इंग्लिश तो कुछ जानता है नहीं, कैसे स्कूल में पढ़ता है। अगर आप यही शब्द अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो आपके मेहमान सोचेंगे कि अरे भाई कितने बड़े स्कूल में पढ़ता है, क्या बात है इस लड़के में ऐसा। तो आपको इसका आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर नहीं पता हमारे चैनल पे बस यही बताया जाता है कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करें, आपको नॉलेज हो। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है आई वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो आज का हमारा छठा क्वेश्चन, मेरे पास शब्द नहीं है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है आई एम स्पेसलेस। तो आज का हमारा सातवा क्वेश्चन, आप इतने भी भोले नहीं हो। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है यू आर नॉट डेट इनोसेंट आल्सो। तो आज का हमारा आठवां क्वेश्चन, कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये CID मूवी तो देखते हो ना, तो वो प्रतिमन बोलता है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय होता है देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है समथिंग इज रॉन्ग। तो आज का हमारा नवा क्वेश्चन, मैं तुम्हारे भावनाओं को ठोस नहीं पहुंचाना चाहता। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मुझे मनाना नहीं आता। अरे भाई कितना जिद्दी है भाई, तू मना ले भाई मना ले, वरना बंदी यहाँ से निकल जाएगी ना, तो नहीं आने वाली कभी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है आई डोंट नो हाउ टू प्रेसिड। ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंस। आई होप कि आपने अपने आप को रैंक किया होगा, कमेंट में बताया होगा कि आपको कितने क्वेश्चन कैसे पता थे। ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टाइम उपलब्ध हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।